नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, आप देख रहे हैं देश का वर्ता एपी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं अयोध्या की खबर। अगली खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है। संत राम प्रसाद चौधरी स्मारक महाविद्यालय कौदेला में एक विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान मेले का आयोजन की बहुत ही धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करके की गई। इस दौरान बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के होनहार छात्रों ने चार्ट के माध्यम से जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, एग्रीकल्चर, मौसम विज्ञान से संबंधित एक दर्जन से ज्यादा वैज्ञानिक पहलुओं की चित्रकारी करते पोस्टर व चार्ट के माध्यम से झलकियां प्रस्तुत की। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कुमार अशोक पांडे ने विज्ञान मेला में भाग लेने वाले प्रतिभागी छात्र और छात्राओं को सम्मान प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शुक्ला ने बताया कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण अंचलों में बच्चों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा ग्रामीण अंचल में भी बहुत ऐसे होनहार बच्चे जिनका मार्गदर्शन माता पिता गुरुजनों के द्वारा सही दिशा में किया जाए तो वह बच्चे आगे चलकर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। ये विज्ञान मेला है जिसमें हम विद्यार्थियों के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो ऐसे विद्यार्थी जिनके अंदर मन में वैज्ञानिक जिज्ञासा है और उन जिज्ञासाओं को एक प्रोडक्ट के रूप में हम सामने लेके आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने देश में मुख्यतः दो तरीके से आविष्कार होता है। एक वो आविष्कार होता है जिसमें वैज्ञानिक लोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा को रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं यानी शोध डाटा है, और फिर उससे कुछ हम नया उत्पाद बना सकते हैं। तो ढेर सारे नए नए आविष्कार लगातार हो रहे हैं अपने देश में और अपने भारतीय वैज्ञानिक भी आविष्कार कर रहे हैं। दूसरा होता है इनोवेशन। इनोवेशन में जिसको हिंदी में कहते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, तो किस ये टेक्नोलॉजी जो है किसी विद्यार्थी के मन में, शिक्षक के मन में, किसान के मन में, यानी किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में या कोई भी काम करने वाले के मन में हो सकता है। तो वो उनके अंदर जो इनोवेटिव आइडिया है उस इनोवेटिव आइडिया से ऐसा कोई उत्पाद बनाना, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाना जो कभी ना बना और वो हमारे मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। तो अपने इस अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के अपने जनपद के कोने कोने से विद्यार्थी आज यहाँ पर आए हुए हैं और इस विज्ञान मेला में अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। देश के जो है और ढेर सारे वैज्ञानिक अभी आए थे, उन्होंने अपना वैज्ञानिक व्याख्यान दिया। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोक पांडे जी थे जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन रहे हैं और हमारे संजय पांडे जी आए हुए थे, मनोज मिश्र आए थे, विकास मिश्र आए थे। इन लोगों ने अलग अलग अपने जो है वैज्ञानिक व्याख्यान उन्होंने दिए। हमारे साथ में आशुतोष पाठक हैं, ये इनोवेटर हैं, इन्होंने भी अपना वैज्ञानिक व्याख्यान दिया और विद्यार्थियों को बताया कि कैसे जो है प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, कैसे अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से वो एक इनोवेशन बना सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस लगातार चल रहा है। आज हम इस महाविद्यालय में हैं और इसके पहले हम झुंझुनवाला डिग्री कॉलेज। इसमें बच्चों को कैसे वैज्ञानिक बनाया जाए इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा जो हमारे बच्चों की रुचि है, जो उनकी हाबी है, उसकी तरफ वो उनको ध्यान केंद्रित किया गया जिससे जो है उस पर वो काम करके आगे बढ़ सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसके अलावा विज्ञान ही ऐसा है जो कि हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए जो है ज़्यादा समय तक जो हमारी जीने की आयु है ये विज्ञान ही हमारी बढ़ा सकती है। और इसी नाते विज्ञान के प्रति आज जागरूक करने का जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है जिससे बच्चे विज्ञान के प्रति काफ़ी जागरूक हैं।